और दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे बेस्ट स्टॉक्स फॉर शॉर्ट टर्म। और अभी अभी दोस्तों तीन आईपीओ लिस्टेड हुए हैं, अभी एक सप्ताह के करीब हुआ है, जिसमें पॉलिसी बाजार, सफायर फूड और नाइका, तीनों ही शेयरों में दोस्तों काफी तेजी देखने को मिल रही है। तो कौन सा शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, इसके बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल में बताएंगे और साथ ही दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा स्टार्ट करें। इससे पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम नेटवर्क से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके सबकी न्यूज और चार्ट चेक भी करेंगे कैंडलिस्टिक चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट किया करें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियोस फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज ओनली। चलिए दोस्तों हम लोग सीधे चलते हैं एक एक करके फंडामेंटल एनालिसिस तरफ। दोस्तों हम लोग चार्ट चेक बाद में करेंगे तीनों शेयरों की। सबसे पहले हम लोग तीनों शेयरों की मार्केट कैप देख लेते हैं। तो नाइका का अगर आप दोस्तों देखिए तो मार्केट कैप 1,06,000 करोड़ की है, और जिसमें डेथ कंपनी पे बहुत ही कम है। ओवरऑल दोस्तों अगर परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू बढ़े हैं, और इधर मार्च 21 में अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी पहले नेगेटिव थे, अब इसमें पॉजिटिव रिटर्न ऑन इक्विटी भी आ चुके हैं, और कैश फ्लोस फ्रॉम द ऑपरेशन आल्सो बढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो रेवेन्यूज काफी जंप हो रहे हैं, तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी ठीक ठाक कर रही है और एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी पिक हो सकती है। इसमें सारी अच्छी क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे शेयर के लिए होना चाहिए। वही दोस्तों दूसरा एक शेयर है पॉलिसी बाजार, जिसको हम लोग पीबी फिनटेक के नाम से जानते हैं। 2008 की कंपनी, आप सब लोग को मालूम होगा दोस्तों, 58,000 करोड़ की मार्केट कैप है, काफी बड़ी मार्केट कैप है। और जिसमें से दोस्तों अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 886 करोड़, डेथ कंपनी पे जीरो डेथ की कंपनी है, बड़ी चीज यही है दोस्तों। हालांकि नेट प्रॉफिट नेगेटिव है और एबिटा नेगेटिव है, सीएफओ भी नेगेटिव है, उसके बावजूद दोस्तों अगर रेवेन्यूज देखें तो लगातार जंप हो रहे हैं, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहे हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंट बनी हुई जो कि काफी कम है। कैश फ्लोज इधर थोड़े ठीक ठीक हुए, पहले से थोड़े से निगेटिव। तो ओवरऑल देखे तो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस दी, और अर्निंग पर शेयर भी इसके पॉजिटिव होते नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों आगे लॉन्ग टर्म के लिए ये भी एक बेस्ट पिक बन सकती है। वही दोस्तों तीसरा शेयर है सफायर फूड, 2009 की स्टैब्लिश कंपनी है, मार्केट कैप केवल 7,370 करोड़ की है, जिसमें से दोस्तों अगर हम देखें तो टोटल डेट 75 करोड़ के आसपास का है। ओवरऑल रेवेन्यूज देखें तो कंसिस्टेंट बने हुए हैं, अर्निंग पर शेयर अभी भी नेगेटिव्स हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव है, और कैश फ्लोस फ्रॉम द ऑपरेशन भी एक कंसिस्टेंट बने हुए हैं। तो ये भी दोस्तों कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक हो सकती है। अब अगर हम दोस्तों एनएससी का डेटा चेक करें तो पॉलिसी बाजार में आज जो ट्रेडेड क्वांटिटी रही वो 20 लाख के करीब रही, जिसमें से डिलीवरेबल रही लगभग 30% के आसपास। वहीं पे दोस्तों अगर हम नाइका के शेयर की देखें तो इसकी भी डिलीवरी 30% के आसपास रही, और अगर हम दोस्तों सफायर फूड की देखें तो इसकी डिलीवरी 31% के आसपास। तो तीनों ही शेयर में डिलीवरी परसेंटेज 31% के आसपास बनी हुई, जो कि नए शेयरों के हिसाब से काफी ठीक नजर आती है। अब दोस्तों चार्ट चेक पे करते हैं। चार्ट चेक यहां से दोस्तों देखिए तो पॉलिसी बाजार का जो स्टॉप लॉस नजर आता है वो 1190 के आसपास है, करंट लेवल से करीब कह सकते हैं कि 100 रुपए डाउन साइड। वही दोस्तों अपसाइड जो नजर आते हैं 1500 से 1700 के टारगेट नजर आते हैं। तो हम लोग 1700 के टारगेट के लिए इसको लॉन्ग तीन से छह महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। करंट लेवल अगर हम 1300 से देखें तो लगभग 400 रुपए रिटर्न मिलने के चांसेस है। वहीं पे दोस्तों स्टॉप लॉस भी 100 रुपए के डाउन साइड रिस्क भी है। अब हम दोस्तों नाइका का शेयर देखते हैं और एनालिसिस करते हैं चार्ट पे। नाइका का शेयर दोस्तों जब से लॉन्च हुआ अगर हम देखें यहाँ पे तो एक वॉल्यूम से पिकअप हुआ 2100 के लेवल से, और ये शेयर 2300 के करीब गया, और वहां से जैसे इसे मार्केट करेक्ट हुआ। एक खास बात थी दोस्तों कि इस शेयर में करेक्शन काफी कम देखने को मिला, जहां पे मार्केट काफी ज्यादा करेक्टेड हुआ इस शेयर में करेक्शन देखने को नहीं मिले।
तो दोस्तों यहां से स्टॉप लॉस जो नजर आता है दोस्तों, 2000 के स्टॉप लॉस लगाइए, लगभग 10% डाउन साइड। और अप साइड दोस्तों ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए 2700 के भी टारगेट टच कर सकता है, काफी लार्ज कैप की कंपनी है, तो यहां से दोस्तों एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 2000 स्टॉप लॉस लगाइए दोस्तों, और अपसाइड लगभग 2700 से 2800 के टारगेट, इवन 3000 के भी टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। कंपनी में काफी पोटेंशियल है। वहीं पे दोस्तों अगर हम सफायर फूड की देखते हैं, सफायर फूड में जब से लॉन्च हुआ दोस्तों एक रेंज बाउंड ही रहा है और काफी कम वोलेटाइल रहा है, अगर हम दूसरे शेयरों की कंपैरिजन करें तो। ओवरऑल दोस्तों यहां से एक लगभग कह सकते हैं कि 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 1164 का भाव है, 1000 का स्टॉप लॉस लगाएं। और अप साइड दोस्तों ये शेयर आपको 1700 से 1800 के शेयर लेवल पे नजर आ सकता है, तो इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। जैसे दोस्तों जोमेटो में आपने देखा काफी बढ़िया रिटर्न दिए, आपने देवयानी में देखा काफी बढ़िया रिटर्न दिए, और जुबिलेंट फूड में लगातार अच्छे रिटर्न मिलते रहे हैं, तो सफायर फूड भी इनमें से एक है, तो डेफिनेटली यहां से अपसाइड जाने के चांसेस और भी बन सकते हैं। 1000 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहां से रखा जा सकता है। तो ये थी दोस्तों तीनों शेयरों के एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों।